हमारे साथ मौजूद है सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन। सर, अखिलेश यादव बार बार बोल रहे हैं कि फोन टैपिंग हो रहा है, आपको लगता है कि चुनाव के पहले इस तरह की बातें साफ तौर पे आ रही हैं? ये चुनाव से पहले नहीं, पिछले सेशन में आपको मालूम है पेगासस क्या था। फोन टैपिंग बराबर हो रही है और जिस तरह से रेट्स पड़ रही हैं फोन टैप करने के बाद, वो सब जग जाहिर है। हम जिस इरा में इस वक्त हैं राजनीति के, शायद इससे बदतर दौर इससे पहले कभी नहीं आया था। तो सर, आपको लगता है कि ये चुनाव को देखते हुए इस तरह की हरकत की जा रही है परेशान करने के लिए तमाम पार्टी के नेताओं को? यकीनी तौर पर जब फोन टैप होगा तो उनकी सारे प्रोग्राम्स का भी उन्हें पता होगा कहाँ पे क्या करना है, वो पहले से क्या प्लानिंग कर लें वहाँ पर। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि निजता के ऊपर बहुत बड़ा हनन हो रहा है जो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हसन साहब, यूपी चुनाव के पहले इनकम टैक्स के रेट भी पड़े सपा के नेताओं में, क्या मायने लगाए जाए? देखिए, राजनीतिक हैं, सिर्फ सपा को बदनाम करने के लिए काम किया जा रहा है। पिछले 5 साल तक तो सोते रहे, अब रेट डाल रहे हैं और क्या निकला उस रेट में? कुछ भी तो नहीं। लेकिन एक भय का माहौल पैदा करना, लोगों को डराना धमकाना, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना, ये इनकी पुरानी आदत है। हसन साहब, मथुरा की सांसद हेमा मालिनी का एक बयान आया है कि मोदी और योगी रहे तो मथुरा में भी मंदिर बन जाएगा। देखिए, मंदिर तो वहाँ है बना हुआ, उसी को और अच्छा बना लें। लेकिन अगर वहाँ पे फिर कोई सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की गई तो हेमा मालिनी जैसी सोबर लेडी से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है, उन्हें शोभा नहीं देता यह सब बातें। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।